How to fix Realme C11, C12 and C15 notification not showing problem. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिखिराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आपके नोटिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, नोटिफिकेशन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, नोटिफिकेशन काम नहीं कर रहा है, तो दोस्तों आप इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो पर मैं आपको इसी के रिगार्डिंग पर जो है सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखें, जो भी सॉल्यूशन मैं आपको बताऊँगा उसको फॉलो करें, आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों नोटिफिकेशन का प्रॉब्लम जो है आपके डिवाइस में सेटिंग की वजह से आते हैं। तो कंप्लीट सेटिंग दोस्तों मैं आपको शो करके बताऊंगा और कुछ सॉल्यूशंस भी मैं आपको बता दूंगा, तो उसको फॉलो करते हुए आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, और अगर आपको ऑनलाइन पैसा कमाना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन का जो प्रॉब्लम हुआ है आपको, ठीक है, उसको फिक्स करने के लिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपके जो मोबाइल है उस पर आपने म्यूट ऑन कर रखा है, ठीक है, तो म्यूट को ऑफ कर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने मोबाइल पर DND सर्विस ऑन किया हुआ है तो DND सर्विस को भी दोस्तों आप बंद करवा दीजिए। ठीक है, तो आपको ये सबसे पहले चेक करके यहाँ पे देख चेक करके इसको डिसेबल करना है। उसके बाद दोस्तों आप चेक कर लीजिए अपने मोबाइल पे नोटिफिकेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा। तो इस तरीके से नोटिफिकेशन प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला सॉल्यूशन दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट पे दोस्तों आपको करना क्या है, आप दोस्तों जाइए अपने नोटिफिकेशन सेटिंग पर। यहाँ पर आप दोस्तों मैनेज नोटिफिकेशन पर जाइए, और अगर नोटिफिकेशन वगैरह शो नहीं हो रहा है, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे एक एप्लीकेशन जो कि अमेजन शॉपिंग की तरफ से, तो उसमें जाके आपको ये चेक करना है, अलाउ नोटिफिकेशन, ठीक है, तो इसको अगर आप बंद करके रखोगे तो आपको दिक्कतें हो सकते हैं, नोटिफिकेशन शो नहीं होगा। तो आपको ये बटन जो है इनेबल करना है, अगर इनेबल है तो डिसेबल करके इनेबल करें। शो होम स्क्रीन आइकॉन यहाँ पर दोस्तों आपको डॉट बैच करके शो कर देना है, डोंट शो बैच नहीं करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन सेटिंग आप यहाँ पर सेट कर लीजिए, अलाउ नोटिफिकेशंस, ठीक है, डिस्प्ले ऑन स्टेटस बार, डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन, तो ये सब सेटिंग दोस्तों आपको यहाँ पे सेट करना है। तो इस तरीके से दोस्तों आप एक एक करके सारे एप्लीकेशन का सेटिंग्स बना लीजिए, ठीक है। तो ये करने के बाद दोस्तों आपका जो यहाँ पे प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं नोटिफिकेशंस का, ठीक है। अगर इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक है, अगर इसके बाद भी प्रॉब्लम आ रहा है तो साउंड एंड वाइब्रेशन पर जाके दोस्तों आप नोटिफिकेशंस टोन सेलेक्ट करें, डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन रिंगटोन जाके आप यहाँ पे सेट कर लीजिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा आपको कब नोटिफिकेशंस आ रहा है। तो दोस्तों ये सब हो गया आपका नोटिफिकेशन सॉल्यूशन। लेकिन दोस्तों आपको अगर फिर भी प्रॉब्लम आते हैं तो आप अपना जो मोबाइल सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट करें, क्योंकि दोस्तों मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं रहेगा आपको प्रॉब्लम दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करें, सॉफ्टवेयर अपडेट करने के सारे साथ दोस्तों आपका जो इशू है, आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने नोटिफिकेशंस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।